डियर स्टूडेंट, आज हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना, सुदृढ़ीकरण अर्थात समेकन एवं विस्तार के संदर्भ में खिलजी वंश के योगदान पर प्रकाश डालना चाहेंगे। विगत अध्याय में हमने चर्चा की थी कि किस तरह बलबन ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया तथा उसे स्थायित्व प्रदान किया, परंतु संयोग से बलबन के पश्चात बलबन के वंश में कोई प्रतापी शासक न हो सका। उसका पुत्र बुगरा खां इस योग्य नहीं था कि वह सत्ता को संभाल पाता। बुगरा खां ने बंगाल पर ही शासन करना उचित समझा तथा उसने दिल्ली का रुख नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि अमीरों ने बलबन के पश्चात बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। कैकुबाद एक नवयुवक था तथा वह बलबन के संयमित तथा कठोर नियंत्रण में अब तक रहा था। इस कारण जब कैकुबाद सुल्तान बना तो वह शीघ्र ही भोग विलास और व्यसनों में डूब गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही सल्तनत पर अमीरों का प्रभाव स्थापित हो गया और व्यसनों में डूबे होने के कारण कैकुबाद को पक्षाघात हो गया। इस बीच अमीरों में दो गुट बन गए और उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। यद्यपि शासन में तुर्क अमीर ज़्यादा प्रभावी थे, परंतु फिर भी परिस्थितियां ऐसी बनी कि खिलजी गुट को इसमें ज़्यादा प्रभाव स्थापित करने का मौका मिला और कालांतर में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली का सुल्तान बन गया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इस तरह दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सामान्यतया एक निष्ठावान, दयालु और उदार व्यक्ति था। वह सत्ता पर दृढ़ता के साथ पकड़ बनाने में अक्षम रहा। जैसे कि मैंने बलबन के संदर्भ में भी कहा था कि बलबन के सिंहासन पर बैठने से उसने इनकार करते हुए अमीरों से कहा था कि तुम जानते हो कि मेरे पूर्वजों में कोई भी शासक नहीं था जिससे राजत्व का अभिमान और गौरव मुझे विरासत में मिलते। सुल्तान बलबन यहाँ बैठते थे और मैंने उनकी सेवा की है। उस शासक के भय और गौरव ने मेरे हृदय को अभी नहीं त्यागा है। यह महल बलबन ने बनवाया था जब वह खान था और यह उसकी व उसके पुत्रों व संबंधियों की संपत्ति है। अर्थात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बलबन के सिंहासन पर बैठने में अपनी असमर्थता जाहिर की थी।
इससे स्पष्ट होता है कि जलालुद्दीन में किसी भी तरह की महत्वाकांक्षाएँ इस कदर नहीं थी कि वह सुल्तान के पद को वह सुल्तान के पद के गरिमामय दायित्व को निभा पाता। उसका व्यवहार भी उदार था और वह काकरता था कि मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। अर्थात जब अमीरों ने विद्रोह किया तो उन विद्रोहों का दमन करने में भी फिरोज खिलजी एक प्रकार से पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कैकोबाद के समय आरिज ए मुवालिक नियुक्त हुआ तथा इस तरह उसका शासन में प्रभाव बढ़ा। कैकोबाद के बाद अमीरों ने उसके पुत्र कैमूस को सुल्तान बनाया और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कैमूस का नायब बन गया, अर्थात नायब ए मामलिकात बन गया। कैमूर के संरक्षक के रूप में जलालुद्दीन ने 3 महीने शासन किया, अर्थात लगभग 3 महीने जलालुद्दीन कैमूस का संरक्षक रहा और अंततः दरबार की गुटबंदी के कारण जलालुद्दीन ने बाद में अपने को सुल्तान घोषित कर दिया। इस तरह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 में दिल्ली का सुल्तान बना। आगामी 6 वर्षों तक जलालुद्दीन ने सुल्तान के रूप में शासन किया, परंतु वह एक सफल शासक नहीं सिद्ध हो पाया। उसकी नीतियां जो थी तुष्टिकरण की नीति थी, वह सभी को संतुष्ट रखना चाहता था, इस कारण वह सफल नहीं हो पाया। यद्यपि उसने मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन किया और संयोग से उसका दामाद और भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज के शासनकाल में अपना प्रभाव बढ़ाने में सफल रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपना प्रभाव स्थापित किया और जलालुद्दीन के समय उसने भिलसा, चंदेरी और देवगिरी पर विजय प्राप्त की। जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी, भिलसा, चंदेरी आदि पर विजय प्राप्त की तो वह बड़ी मात्रा में यहाँ से धन संपदा लूट कर ले आया। अपने दामाद और भतीजे की विजयों से खुश होकर षड्यंत्रवश जब जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी को मिलने गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से जलालुद्दीन की हत्या करवा दी और स्वयं 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बन गया। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सुल्तान पद पर अधिकार प्राप्त किया और वह दिल्ली का कालांतर में एक शक्तिशाली सुल्तान रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया, उसको स्थायित्व प्रदान किया और अपनी विजयों से दिल्ली सल्तनत का दक्षिण तक साम्राज्य विस्तार किया। अलाउद्दीन के संदर्भ में कुछ बातें जो उसे अन्य सुल्तानों से अलग करती हैं वे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो राजत्व सिद्धांत था, राजपद के प्रति
अर्थात सुल्तान के सुल्तान पद के प्रति जो विचार अलाउद्दीन के थे वो अन्य सुल्तानों से कई मायनों में अलग थे। अलाउद्दीन खिलजी ने यद्यपि वो मुसलमान था फिर भी उसने शासन में इस्लाम के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। वह कहा करता था कि शासन में मैं वही करूंगा जो उचित होगा, इसलिए उसने न तो शासन में इस्लाम के सिद्धांतों का सहारा लिया और न ही उलेमा वर्ग से कोई सलाह ली, यहाँ तक कि उसने खलीफा के नाम का भी सहारा नहीं लिया। इससे स्पष्ट होता है कि अलाउद्दीन खिलजी शासन में इस्लाम का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता था। अलाउद्दीन खिलजी निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था, इसलिए उसका शासन पूर्णतया स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश था। अपने शासनकाल के अंतर्गत सल्तनत को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उसे कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा और उसने सफलतापूर्वक इन विद्रोहों का दमन भी किया। उसकी विजयों के अंतर्गत जिसके तहत उसने दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया, उन विजयों में उसकी प्रमुख विजय हैं, उसने जैसलमेर और गुजरात पर विजय प्राप्त की, क्योंकि उस समय गुजरात एक समृद्ध राज्य था और यहाँ से उसे पर्याप्त धन संपदा प्राप्त हुई। उसने बघेल शासक करण राय को पराजित किया तथा बाद में उसने लौटते समय जैसलमेर को भी जीत लिया। फिर यहाँ से उसने देवगिरी पर आक्रमण किया और वहाँ से भी बड़ी मात्रा में वह धन लोक संपदा लेकर लौटा। रणथंभौर उस समय चौहान राजपूतों की राजधानी थी और उनकी शक्ति का प्रतीक था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की। यद्यपि जलालुद्दीन रणथंभौर पर विजय प्राप्त नहीं कर सका था, परंतु अलाउद्दीन रणथंभौर को जीतने में सफल रहा। यद्यपि यह विजय उसने युद्ध के सिद्धांतों के विपरीत प्राप्त की, परंतु रणथंभौर को जीतने में वह सफल रहा और युद्ध में राणा हमीरदेव मारा गया, क्योंकि राणा हमीरदेव के साथियों रणमल ने उसके साथ विश्वासघात किया था, जिस कारण हमीरदेव को पराजय का मुंह देखना पड़ा और अलाउद्दीन को विजय प्राप्त हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की और बंगाल को विजय कर वह वापस लौटा। यद्यपि बाद में बंगाल में फिर भी विद्रोह हुआ, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर भी विजय प्राप्त की और उसने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया और अपने पुत्र खिजर खां को वहां नियुक्त किया। पद्मिनी की कहानी चित्तौड़गढ़ से ही जुड़ी हुई है, जो कि पद्मावत महाकाव्य में प्रचलित और प्रसिद्ध रही है। मालवा के शासक महलक देव को भी अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया तथा मालवा पर अधिकार किया। इसी तरह सिवाना पर, जालौर पर तथा देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की। दक्षिण में
अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी, तेलंगाना, होयसल, पांड्य आदि राज्यों पर विजय प्राप्त करके वहाँ से वह अपार धन संपदा लेकर उसका जो सेनापति था मलिक काफूर, वह दक्षिण के आक्रमणों में सफल रहा तथा इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के विजय प्राप्त की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सल्तनत को स्थायित्व प्रदान करने के लिए शासन में अनेक सुधार किए। अलाउद्दीन खिलजी जानता था कि एक सफल शासन व्यवस्था के लिए एक सुयोग्य प्रशासनिक तंत्र की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम अपने प्रशासन में सुधार किया। उसने प्रशासनिक तंत्र में सुधार करते हुए निरंकुश शासन करना आरंभ किया। वह अपने मंत्रियों को केवल परामर्श देने के लिए उचित समझता था और स्वयं वास्तविक सत्ता अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में थी। उसके मंत्रीगणों में चार महत्वपूर्ण मंत्री थे। पहला दीवान ए वजारत, जिसे वजीर कहा जाता है, यह सुल्तान के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद था। दूसरा दीवान ए आरिज, जो सैन्य मंत्री था और सेना संबंधी भर्ती, वेतन बांटना, सेना की साज सज्जा करना, दक्षता निरीक्षण आदि कार्य देखता था। तीसरा दीवान ए इंसा, जिसका कार्य था शाही आदेशों और पत्रों का प्रारूप तैयार करना, प्रांतीय और स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना और सरकारी लेखा जोखा रखना। चौथा महत्वपूर्ण विभाग था दीवान ए रसालत। यह विभाग पड़ोसी देशों या पड़ोसी राज्यों को पत्र भेजना या उनसे संपर्क करने के संबंध में कार्य करता था तथा विदेश जाने वाले या विदेशों से आने वाले राजदूतों से संपर्क रखता था। एक तरह से यह विदेशी मामलों से संबंधित मंत्रालय था। जनता में न्याय के प्रति आस्था जगाने हेतु खिलजी ने न्याय संबंधी सुधार किए। न्याय के संदर्भ में सुल्तान सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, परंतु उसके अतिरिक्त सुल्तान के पश्चात सद्र ए जहां, जिसे काजी उल कुज्जात भी कहा जाता है, न्याय के संदर्भ में सबसे बड़ा, सुल्तान के बाद दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता था। काजी उल कुज्जात के अधीन नायब काजी, अदल, मुफ्ती आदि जो है न्याय संबंधी कार्य करते थे। साथ ही एक अन्य अधिकारी अमीर ए दाद भी न्याय संबंधी मुकदमों की सुनवाई करता था। प्रांतों में प्रांतपति, काजी और अन्य छोटे अधिकारी न्याय करते थे। छोटे शहरों में व गांवों में मुखिया व पंचायतें आपसी झगड़ों को सुलझाने में मदद करती थी। अलाउद्दीन ने कुशल प्रशासन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया। पुलिस व्यवस्था में सुधार करते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत नामक एक नया पद बनाया, जो कि व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता था, जिससे व्यापारी भ्रष्टाचार न करें, कालाबाजारी न करें। इसलिए उसने दीवान ए रियासत का नाम से अलग विभाग स्थापित किया।
जनसाधारण के लोकाचार की देखभाल करने हेतु उसने मुहत्सिवों की नियुक्ति की। पुलिस व्यवस्था के लिए उसने मुख्य अधिकारी कोतवाल, पुलिस व्यवस्था का एक मुख्य अधिकारी होता था और कोतवाल के अधीन ही पुलिस शांति और कानून की रक्षा करती थी। प्रशासन पे नियंत्रण रखने हेतु तथा भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था लागू की। गुप्तचर व्यवस्था का मुख्य अधिकारी वरीद ए मुमालिक होता था और इसके अधीन अनेक वरीद अर्थात गुप्तचर व हरकारी संदेशवाहक नियुक्त होते थे। वरीद के अतिरिक्त अनेक सूचनादाता जिन्हें मुनहियान या मुनही कहा जाता था वे भी गुप्त सूचनाएं गुप्तचर विभाग को देते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने डाक पद्धति में भी सुधार किया। इसके लिए उसने डाक चौकियों की स्थापना की तथा डाक चौकियों में घुड़सवार व लिपिकों की नियुक्ति की। सैनिक सुधार करते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना की व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी कहा करता था कि राजत्व ही सेना है और सेना ही राजत्व है, अर्थात सेना के बिना राजत्व को संभालना असंभव है। सेना के आधार पर, सेना के द्वारा ही राजपथ की सुरक्षा संभव होती है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी सेना के महत्व को जानता था, इसलिए उसने स्थायी सेना का निर्माण किया तथा सेना का विकेंद्रीकरण किया। उसने सेना में सीधी भर्ती की तथा केंद्रीय कोषागार से सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। इसके लिए उसने सेना की इकाइयों का विभाजन 1000, 100 और 10 के अंकों पर आधारित किया। सेना में खान, मलिक, अमीर व सिपहसालारों के अधीन सेना की टुकड़ियां आती थी। 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को तुमन कहा जाता था, जिसका वर्णन कई साहित्यकारों के विवरणों में आता है। सेना का प्रमुख दीवान ए आरिस कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया रखने तथा घोड़ों को दागने की प्रथा जारी रखी, जिससे कि कोई भी घुड़सवार किसी घोड़े को दोबारा प्रस्तुत न कर सके। इस तरह स्थायी सेना के लिए उसने पर्याप्त व्यवस्था की तथा उनका निरीक्षण समय समय पर वह स्वयं करता था। अलाउद्दीन खिलजी को मुख्यतया हम उसके आर्थिक सुधारों के लिए जानते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सल्तनत की रक्षा के लिए एक विशाल स्थायी सेना का गठन किया था और इस स्थायी सेना के व्यय के लिए उसके आर्थिक संसाधन मजबूत होने आवश्यक थे। इस कारण सेना को कम वेतन पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने अनेक आर्थिक सुधार किए, जिससे कि राजस्व में वृद्धि हुई। उसने जमींदारों, जागीरदारों आदि के विद्रोह का दमन किया, जो कि राजस्व वसूली में कालाबाजारी करते थे तथा पूरा कर राजकोष में जमा नहीं करते थे। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत उसने दान में दी गई भूमि, उपहार, पेंशन आदि को छीन लिया तथा
सरकारी अधिकारियों को भी सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर और धन लेने के आदेश दिए। उसने धन के अपव्यय को रोकने के लिए अमीरों द्वारा व सरदारों द्वारा दी जाने वाली दावतों तथा विद्रोहों को रोकने के लिए उनके पारस्परिक मेलजोल और विवाह संबंधों पर भी प्रतिबंध लगा दिए। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व और लगान में वृद्धि की, जिससे उसकी आर्थिक जरूरतें पूरी हो सकें, और उसने कई उन व्यक्तियों से उनकी भूमि छीन ली जो कि वर्षों से उन्हें जागीर, मिल्क या इनाम के रूप में प्राप्त हुई थी। ऐसे व्यक्तियों को जिनका वह उचित वितरण नहीं समझता था, अर्थात जो वर्षों पहले किसी को इनाम में दी गई थी और अब उसका उत्तराधिकारी भी जीवित नहीं था या उसको उस योग्य नहीं था, इसलिए उसने इस प्रकार की भूमि को छीन कर उनका दोबारा वितरण किया। हिंदू जमींदारों खुद चौधरी और मुकदमों पर भी उसने उनकी भूमि की जांच करवाई और जो विद्रोह करता था उन्हें उनके विद्रोह का दमन कर उसने उन्हें इतना निर्धन बना दिया कि जिससे वह विद्रोह न कर सके। इस संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी का विचार था कि इन जमींदारों को इतना निर्धन कर दिया जाए कि वह अपनी दो जून की रोटी की चिंता में ही लगे रहें और इस तरह वह विद्रोह नहीं कर सकेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने दो नए कर भी लगाए, मकान कर और चराई कर, जिससे उसकी आय में वृद्धि हुई। अपनी राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तक राज नामक विभाग की भी स्थापना की। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी अपने आर्थिक सुधारों से पर्याप्त राजस्व वसूलने में सफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी की जिस महत्वपूर्ण सुधार के लिए हम उसे जानते हैं वो है उसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की उसके पीछे जो बड़ा कारण था वो था सेना को नकद वेतन देना तथा सेना को कम वेतन में सैनिकों की जरूरतों को पूरा करवाना, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने केंद्र में एक बड़ी सेना रखी थी और इस सेना का व्यय बहुत अधिक था। यदि सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो शीघ्र ही राज्य का खजाना खाली हो जाता। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसी योजना तैयार की जिससे कम से कम वेतन में सैनिकों की आवश्यक जरूरतें पूरी हो सकें, और इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए, उनकी दरें कम कर दी, वस्तुओं की आपूर्ति को सुनिश्चित किया तथा व्यापारियों की कालाबाजारी, उनके भ्रष्टाचार पर रोक लगाई। उसने वस्तुओं की आपूर्ति के हेतु मंडी अर्थात गला बाजार में मूल्य निर्धारित किए तथा सभी दुकानदारों को आवश्यक कर दिया कि वो मूल्य की सूची अपनी दुकान पर चस्पा करेंगे। वस्तुओं की आपूर्ति तथा माल की उचित प्रबंध के लिए उसने सराय ए अदल नामक व्यवस्था की, अर्थात ऐसा स्थान जिसे न्याय का स्थान, अर्थात जहाँ पर सबको आसानी से सब वस्तुएं सुलभ हों, जिससे बाहर से राज्यों से निर्मित वस्तुएं आ सकें तथा माल की आपूर्ति सरल हो सके। उसने प्रत्येक सामान के लिए अलग अलग मंडियां बनाई, गला मंडी या अन्य जो सभी दासों की मंडी,
पशुओं घोड़ों की मंडी आदि के लिए उसने अलग से अलग बाजार स्थापित किए। कालाबाजारी रोकने हेतु उसने गुप्तचर व्यवस्था को सशक्त किया तथा व्यापारियों की निगरानी के लिए उसने समय समय पर गुप्तचरों को व्यापारियों की निगरानी हेतु नियुक्त किया, जिससे कोई भी व्यापारी न तो कम तोड़ सके तथा न तो और न ही निश्चित मूल्य से अधिक पर वो वस्तुओं को बेच सके। जैसे मैंने कहा, सराय अदल वह स्थान था जहाँ पर भारी प्रदेशों से या विदेशों से भी माल की आपूर्ति की जाती थी, जिससे कि बाजार में किसी भी प्रकार कोई किसी भी वस्तु की कमी न हो। मूल्य निर्धारण में उसने सामान्य वस्तुओं से लेकर घोड़े दासों आदि तक के मूल्य उसने निर्धारित किए, जिससे बाजार में कम मूल्य पर सरलता से वस्तुएं प्राप्त हो सकें तथा माल की आपूर्ति बनी रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि सैनिकों को कम दाम पर आसानी से वस्तुएं उपलब्ध हो जाती थी। उसके समय कुछ वस्तुओं के मूल्य इस प्रकार निर्धारित थे। गेहूँ 7.5 जीतल प्रतिमन, जौ 4 जीतल प्रतिमन, चना 5 जीतल प्रतिमन, चावल 5 जीतल प्रतिमन। इसी तरह उसने वस्त्रों की जो कीमती वस्त्र थे उनका भी मूल्य उसने निर्धारित किया। दिल्ली खज रेशम 16 टंका, नारंगी रंग का कच्चा रेशम 6 टंका, आधा रेशम बाल मिश्रित 3 टंका। इसी तरह उसने लाल साधारण कपड़े वाले लाल धारी वाले कपड़े का मूल्य 6 जीतल, साधारण कपड़े का मूल्य 3.5 जीतल, मोटा अस्तर 12 जीतल, लंबा कपड़े का लट्ठा 1 टंका में 20 गज, चादर 10 जीतल। इस तरह उसने विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए। यहाँ तक कि उसने घोड़ों दासों और मवेशियों के बाजार में भी मूल्य निर्धारित किए। प्रथम श्रेणी के घोड़े 100 से 120 टंके तक, द्वितीय श्रेणी के घोड़े 80 से 90 टंके तक और तृतीय टंके के घोड़े 60 से 70 टंके तक खरीदे जा सकते थे। दलालों को रोकने के लिए उसने उन्हें कठिन दंड दिया तथा बाजारों पर नियंत्रण व्यवस्था सुदृढ़ की। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था से आसानी से उसके सैनिकों को कम दाम पर वस्तुएं सुलभ हुई और इससे नागरिकों को भी लाभ हुआ।